हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे इस न्यू व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, मैं एकदम फुल रेडी हो चुकी हूँ और आज बहुत ही स्पेशल डे है। आज तो एक हम पार्टी में जाने वाले हैं, वहाँ पे आप बहुत सारे क्रिएटर से मिलने वाले हैं। फर्स्ट टाइम मैं भी फर्स्ट टाइम मिलने वाली हूँ एंड आपको मिलवाने वाली हूँ सभी लोगों से। और उसके बाद भी एक प्लान है, एक और पार्टी है। हम लोग कहीं टूर पे जाने वाले हैं, तो ये जो पार्टी अटेंड करके उसके बाद हम लोग टूर पे निकल जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो चलते हैं किचन में, खाने पीने की तैयारी करते हैं, उसके बाद पैकिंग करेंगे। बहुत सारा आज काम है, आज तो कपड़े भी धोने हैं, बहुत सारा काम है, तो जल्दी जल्दी करते हैं और मिलते हैं आपसे। तो इन बदमाश को देख सकते हैं, मैं वेट कर रही थी मेरा बेटा कहाँ है। मैं अपनी बेटी के लिए पराठा बना रही थी और ये अभी दादाजी से आइसक्रीम खदवा के लाए हैं। पता है आपको तबीयत कितना खराब हो जाता है इसको खाने से। मत खाइए, छोड़ दीजिए, प्लेट में रख दीजिए बेटा। तो आज बहुत ही स्पेशल स्पेशल डिश बनने वाला है। पहले तो मटर पनीर बनने वाला है, साग बनने वाला है, आलू की भुजिया, रोटी, ये सब बनने वाली है। बाकी शिवांश यहाँ पे बिस्किट के डब्बे लेके खड़े हो चुके हैं, इनको दो दो बिस्किट खाना है। तो खाना पीना बन चुका है, किचन का काम हो चुका है कंप्लीट, बस रोटी बनानी बाकी है। तो सभी लोग खाएंगे तो रोटी बनेगा। अभी सभी लोगों ने जूस पिया है और जूसर भी क्लीन ये सब कर दिया है। अब जा रहे हैं रूम में और करनी है पैकिंग। हो गया अभी कांड, मुझे ये वाला ब्लाउज पहनना है और मैंने कहा था कि यहाँ पे एक हुक लगा देने के लिए, पीछे गोल्ड सा डिज़ाइन है, तो उन्होंने लगाया नहीं, सिर्फ स्टिच कर दिया थोड़ा सा और हुक नहीं लगा। इसकी वजह से मैं मम्मी से सुइया धागा अब लेके आई हूँ, तो इसको ठीक करना होगा अभी। तो अभी कर रहे हैं पैकिंग, कुछ सूट कुछ साड़ियाँ रखी हैं मैंने, बाकी आज ये वाला पहनने वाली हूँ, ये वाली साड़ी मम्मी वाली। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहननी है पार्टी में जाने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था, दी आप रेड वाला साड़ी पहनते हैं और मम्मी ब्लू वाला साड़ी पहनते हैं, मतलब एक्सचेंज करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आज मैं रेड ही पहन लेती हूँ। तो अभी जा रही हूँ मेकअप करने के लिए। तो अभी मैंने फेस क्लीन करके मॉइस्चराइज़र लगा लिया है और ये वाला मॉइस्चराइज़र के बारे में काफ़ी कमेंट आ रहा था पिछले वाले व्लॉग में जब मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया था। तो ये देख लीजिए ध्यान से, ये क्रीम है जो अभी हे फैमिली कैसे लग रही हूँ ये कमेंट करके बताइएगा। बाकी अभी मुझे बैंगल्स पहनने हैं, बैंगल्स नहीं पहनना, ये वाला पहनने वाली हूँ। कैसा लग रहा है ये मोर वाला है ना, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। हे फैमिली, घर से निकल चुके हैं और आपको हमारे साथ कुछ मिसिंग लग रहा होगा, वो है शिवांश। शिवांश नहीं आया, शिवांश को हम लोग लेके नहीं आए हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एक मीटिंग में, क्रिएटर्स का मीटिंग है, बहुत सारे क्रिएटर्स आने वाले हैं और शिवांश को वहाँ पर ले जाते तो वो परेशान ही होता, तो इस वजह से उसको लेके नहीं जा रहे हैं। और मन तो नहीं लग रहा है क्योंकि कहीं भी जाते हैं ना वो साथ रहता है, तो हमेशा एक होता है ना कि आप हमेशा बिजी रहते हो, बच्चे साथ में होते हैं ना तो आप एकदम बिजी रहते हो, आपको समय का पता नहीं लगता, और वो साथ में नहीं है ना तो एकदम बोरिंग बोरिंग सा रास्ता लग रहा है, एकदम शांत सा कार, एकदम शांत सा, एकदम बोरिंग सा लग रहा है। तो चलते हैं और आप लोगों को भी मिलवाएंगे, बहुत सारे क्रिएटर आने वाले हैं। वैसे हम लोग पहली बार किसी मतलब इवेंट में जा रहे हैं, ऐसे क्रिएटर इवेंट में है ना, पहली बार जा रहे हैं। इससे पहले भी इनविटेशन कई बार आ चुका है, एक बार दिल्ली में भी था ना जब हम नहीं गए थे, हाँ लखनऊ में था। तो इससे पहले भी कितनी बार ये क्रिएटर मीटिंग होता है, अच्छा तो मुझे उतना पता नहीं क्योंकि जो भी मेल ये सब आता है तो यही देखते हैं, तो था बट हम लोग नहीं गए थे शिवांश की वजह से, क्योंकि बच्चे को लेके फिर वो इवेंट करने में बनेगा नहीं। और अब वो थोड़ा बड़ा हो चुका है, समझदार हो चुका है और मम्मी के साथ वो घर पे खेलता है, अब तो मुझसे दूर जाके वो बगल में चाचू ये सब है तो उन सब के साथ खेलता है वो, तो इस वजह से सोचा चलो ये वाला इवेंट तो पास में ही है, कहीं बाहर जाना नहीं है, आउट ऑफ ये स्टेट नहीं है, इस वजह से हमने सोचा चलो पटना में है तो पास में ही है, तो फिर हम लोग आते हैं। और अच्छा तो नहीं लग रहा शिवान को छोड़ के जा रही हूँ तो, पर कोई बात नहीं, और एक और सरप्राइज मिलने वाला है आप लोगों को। वैसे तो बहुत सारे क्रिएटर से मिलेंगे ही आप,
और एक और क्रिएटर से मिलेंगे, उनके साथ पार्टी होने वाली है ना, पार्टी होने वाली है और एक टूर पे जाने वाले हैं हम लोग, और आज ही जाएंगे, इवेंट ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग एक टूर पे निकलेंगे, तो वो भी बहुत ही मज़ेदार व्लॉग आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। और हे फैमिली, तो हम लोग पहुंच चुके हैं पटना, और यहाँ से देख सकते हैं पटना के नज़ारे, क्या मस्त लग रहा है यहाँ से देखने में। घर तो लगता है कि जैसे छोटा छोटा डब्बा हो एकदम, और इधर नदी का व्यू, वाह। तो हम लोग पहुंच चुके हैं होटल के पास और अभी वेट कर रहे हैं मनीषा का। सचिन भाई और मनीषा भी आने वाले हैं, तो उनका वेट कर रहे हैं, उसके बाद जाएंगे अंदर। और पति देव अभी कार पार्किंग करने गए हैं, वो कार पार्क करेंगे तब आएंगे बाहर। तो पति देव कार पार्क करके आ चुके हैं, बाकी ड्रेस भी चेंज हो चुका है। अच्छा चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे पार्टी होने वाला है, ये रहा पार्टी हॉल। तो अभी यहाँ पे हो रहा है रजिस्ट्रेशन, बाकी यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, यहाँ पे हम लोग रील बनाएंगे। हे फैमिली, तो पहुँच चुके हैं हम पार्टी हॉल, बाकी ये रिजॉर्ट टाइप का है, बहुत ही प्यारा है, अंदर भी बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है, और पति देवा भी कर रहा है रजिस्ट्रेशन, तो वो हो जाएगा, उसके बाद कुछ परफॉर्मेंस शायद ऐसा कुछ होगा, तो जो भी होगा हम लोग आपको व्लॉग के ज़रिए दिखाते रहेंगे, बस बने रहिए हमारे व्लॉग में। इधर देख सकते हैं ये अंदर का डेकोरेशन है पूरा, और ये रहा बाहर का डेकोरेशन। ठीक है, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां पे आज पार्टी है, ये है एरिना रिजॉर्ट जो स्टेशन के पास में ही है, और अभी यहां पे ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है। यहां पे मीटअप है जोस क्रिएटर 2024 का मीटअप है, जो भी देखो बैच मिल सकता, ये क्या बैच बोलेंगे या कार्ड बोलेंगे, वो हमें मिल गया कार्ड। और बहुत प्यारा स्पेस है यहाँ पे रील बनाने के लिए, काफी प्यारा स्पेस है। अभी मनीषा आ जाएगी तो ढेर सारा रील बनाएंगे, सचिन मनीषा आ रहे हैं और सभी लोग मिलके साथ में सेलिब्रेट करेंगे, अभी यहाँ बहुत मौज मस्ती होने वाली है। तो और क्या, और ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड आल्सो बाकी नेक्स्ट वाले में हमको सभी लोग से मिलाएंगे आपको, और पार्टी स्टार्ट हो जाएगा तो वो सब। सबसे पहले हम इनसे मिले, आपका नाम? निशु कुमारी। अच्छा, आप व्लॉग बनाते हो क्या? हाँ। तो यहाँ पे जो भी आया, मैं भी ना दू, यहाँ पे जो भी आया वो भी क्रिएटर ही है, व्लॉग वीडियोज वही सब बनाते हैं, वही सब लोगों का मीटअप ही है। और कैसे हो? हम आप ठीक हैं। आप कहाँ से हो? कहाँ से हो? यही पटना से। अच्छा, मैं वैशाली साइड। हाँ, हम आपको वीडियो देखते हैं पूरा, बहुत सुंदर लगती है, बहुत क्यूट लगती है। सच सच में झूठ नहीं बोल रहे, आप बहुत क्यूट लगती है। हम आपको मम्मी का भी रील्स दिखाया है, आपकी मम्मी बोलती है बहुत अच्छा लगती है। थैंक यू। तो फोटो फैमिली, तो मिलिए बर्थडे गर्ल से, पहले तो आप सभी का वेलकम है हमारे इस ब्लॉग में, एंड यहाँ पे सभी बहुत ब्यूटीफुल क्रिएटर है, तो सभी से मिलते जा रहे हैं, और स्पेशली इनका बर्थडे आज, तो आप लोग भी बर्थडे विश करिएगा, एकदम कमेंट भर जाना चाहिए हैप्पी बर्थडे से। हेलो, आप अपना नाम बताइए। सानवी सौर्या। सानवी मंडल। ओके, मेरी सिस्टर आपका ब्लॉग बहुत देखती है। थैंक यू। बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। उसको लेके नहीं आए यहाँ पे, वो तंग होता है इस वजह से, वो आराम से। आप आए कहाँ से? पटना में। तो हम महाजीपुर से आगे हमारा घर है, वैशाली साइड। तो सभी लोग आ रहे हैं मिलने, काफी अच्छा लग रहा है, और सभी से मिलके, और भी बहुत सारे लोग अभी आने वाले हैं, और कोई भोजपुरी की एक्ट्रेस भी आने वाली है, अभी नाम उतना मतलब ट्रेबल नहीं है कौन कौन आने वाले हैं, वैसे सभी लोग आ जाएंगे तो आपको मिलवाएंगे सभी से। ठीक है गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू ब्लॉग में, रुद्रपुर टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारे हाथ में एक बैच देख रहे होंगे, ये जोस का बैच है, साउंड लाउड आ रहा है बट कोई नहीं, चलो अब चलते हैं। तो आ चुकी है मनीषा, काफी टाइम लगा उसको, धूप भी चला गया, सोचा सारी देखो नीचे क्या हो रहा है, उसका हाल क्या हो रहा है, चलो चलो। धूप सोचे थे कि धूप में वीडियो बनाएंगे, रील बनाएंगे, ये लो अंधेरे में आई है। अभी नीरज मिश्रा है। तो फाइनली अभी मनीषा, सचिन सभी लोग आ चुके हैं। मैं आ चुकी है मेरी प्यारी तितलू। तितलू को लगा मेरा नाम बोलेगी। इससे अब किसी से नहीं मिल रहे हम। अरे मनीषा, मनीषा हटी, बस ब्लू लाइट।
और यहाँ पे आ चुके मनीषा। हेलो हेलो। रात के अंधेरे में फैमिली, तो शाम का टाइम है और शाम का टाइम जितना दिन का टाइम अच्छा था ना। 17 मिनट हो रहे हैं और अभी थोड़ी देर पार्टी स्टार्ट होगा, बहुत सारे लोग आने वाले हैं और फाइनली सचिन भाई ये लोग आ चुके हैं और निशा जी भी आ चुकी है और भी पंकज और मिथुन ये लोग आने वाले हैं। उन लोगों को भी हमने बोला है कि वो लोग भी रास्ते में हैं, उनका गाड़ी मतलब आधे घंटे में लगेंगे पॉप आने में। और अभी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। बाकी बता दूँ आपको ना, सचिन भाई की एनिवर्सरी है कल और बहुत ही ग्रैंड एनिवर्सरी करने वाले हैं, कुछ खास करने वाले हैं, तो वो एनिवर्सरी का भी बहुत सारा तैयारी होगा और रात को सेलिब्रेशन होगा। इससे पहले एक चीज़ और है, हमें सिवान को घर से लेके आना है, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर हमारा घर है और वहाँ हम या तो भाई को बोलेंगे। मनीषा कह रही थी कि कल निकलेंगे यहाँ से, कल निकलेंगे। हाँ बात कर लीजिएगा आप। वैसे अगर कल निकलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कल तो हम आराम से जाएंगे घर, जाएंगे कल लेके आ जाएंगे शिवांश को। और शाम का टाइम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइटिंग यहाँ की बहुत अच्छी है, मैंने यहाँ पे दिन में भी दिखाया और शाम में भी दिखाया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से देखिए मंदिर कितना अच्छा लग रहा है, देखिए मंदिर। और ये जो कॉन्टेम्पल है ना, ये जोश ऐप के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है क्रिएटर मीटअप, इसमें भोजपुरी की बहुत सारी एक्ट्रेस भी आ रही है, तो उनसे मिलने का मौका मिलेगा फर्स्ट टाइम और अच्छा लगेगा मिलके और बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा लग रहा है ना डेकोरेशन यहाँ का, यहाँ का डेकोरेशन बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। बस बातचीत कर रहे हैं ये लोग। हे फैमिली, तो हम लोग आए हुए हैं ये पार्टी में। पर भूलोगी हमारे, यहाँ सुनिए ना, तो यहाँ भी क्रिएटर्स का मीटअप होने वाला है और यहाँ भी ये दो क्रिएटर्स भी आए हुए हैं, तो आइए इनका इंटरव्यू लेते हैं। हमारी एनिवर्सरी पार्टी में आके आपको कैसा लग रहा है? तो इनकी एनिवर्सरी है, बाकी क्रिएटर मीटअप है, तो बहुत सारे क्रिएटर्स आए हुए हैं, तो इनमें ये लोग भी हैं, तो इनकी एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी पार्टी है। ये देखिए पूरे जोश के साथ आना, इसलिए जोश का आईडी कार्ड लगवा दिए हैं। तो बताइए कि आपकी एनिवर्सरी है तो क्या क्या स्पेशल करने वाले हैं आप लोग? आज हम लोग स्पेशल ये करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हर इवेंट में इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे होते हैं, तो इस वाले इवेंट में एक दिन पहले ही हमने सोचा कि पूरी अच्छी तैयारी की जाए, बहुत सारे लोग खाना पीना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, अपना जलवा बिखेरेंगे। लेकिन ये लगवा के आप बहुत गलती की, नहीं ये क्यों बना दिया? ये तो भाई जोश रहेगा ना, जोश ऐप का है स्पेशल, जोश ऐप ने स्पॉन्सर किया है। हाँ, जिन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया, जोश ऐप का इवेंट है, हम लोग को इन्वाइट किया। ये सही बोलिए, जोश रहेगा, पार्टी है। में सबसे पहले तो आप लोग अभी एडवांस में हैप्पी एनिवर्सरी बोल देते हैं। अरे थैंक यू, थैंक यू सो मच। 12 बजे बोलेंगे ना, 11 बजे। आप लोग कमेंट में अभी से खास बातचीत, आप लोग अभी से अभी अभी मैंने बहुत अच्छा खरीदारी किया है। अब गिफ्ट क्या देने वाले हैं? मेरे को मिल गया ये गिफ्ट, मैंने गिफ्ट दिखा ये मनीषा ने गिफ्ट किया, गोल्ड का है कि नकली गोल्ड है? ऐसे क्यों गोल्ड है? रुद्र भाई से पूछो, गोल्ड है कैसे? अरे तुम अब क्या उसका सर्टिफिकेट लेके मानोगी क्या? थोड़ी देर बाद हम हॉलमार्क देखेंगे, उसके बाद बताएंगे गाइस। ऐसे कैसे विश्वास कर ले, अपना ही भांडा फोड़ लेना तुम। हे फैमिली, तो हमारा व्लॉग अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।